हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कोर्स में गायनेकोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है जिससे पूरी गायनेकोलॉजी रिलेटेड है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जिन्होंने बायो ली है, राइट। और उसके बाद अभी तक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये नहीं कि भाई 28-30 डेज की साइकिल हो गई, शुरू में पीरियड आ गया, उसके बाद 14 दिन बाद ओवुलेशन हो गया और उसके बाद 14 दिन बाद पीरियड्स आ गए। ये सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे हॉर्मोन्स, LH, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनिबिन, ये सारे हॉर्मोन्स ओवरी से, पिट्यूटरी से और GnRH आपके हाइपोथैलेमस से निकल के ओवरी पे और यूट्रस पे एक्ट करता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हार्मोनल साइकिल है, पहले वो पढ़ेंगे। सेकंड होगा ओवेरियन साइकिल, यानी कि ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं, और थर्ड हम पढ़ेंगे यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो बाहर आता है वो यूट्राइन साइकिल वो कैसे बनती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी में क्या होता है। प्यूबर्टी यानी कि जब एक लड़की 11-12 साल की होती है, आजकल तो 10 साल 10.5 साल पे ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं मिनार्के, एज ऑफ मिनार्के, यानी कि कब उस लड़की को पहली बार पीरियड आया। तो जब आप एज ऑफ मिनार्के लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AOM, यानी कि कोई बच्ची आपके पास आ रही है पीरियड्स की दिक्कत लेकर, तो सबसे पहले आप पूछेंगे AOM क्या था, यानी कि एज ऑफ मिनार्के क्या था। एवरेज एज ऑफ मिनार्के बुक्स में जो लिखी हुई है वो 13 साल है, लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत जल्दी हार्मोनल चेंजेस हो जाती है, बच्चों का खान पान अलग है, टीवी है, वीडियोस हैं, यूट्यूब है, पॉर्न है, सारे बच्चे देख देख के इनके डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस जल्दी हो रहे हैं। इस वजह से आजकल बच्चे 10-10.5 साल पे पीरियड्स उनको आने शुरू हो जाते हैं। पहले में न्यूट्रिशन कम था, अवेयरनेस कम थी, टीवी भी कुछ भी नहीं था, तो बच्चे बहुत धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता था, ठीक है। अब एवरेज एज अगर 13 इयर्स है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ओपीडी में पेशेंट करीब 10-10.5 साल के आपके पास पीरियड्स की प्रॉब्लम लेकर आएंगे, ठीक है। माएँ आएंगी कि मेरी बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड्स बंद करो, बहुत छोटी है, वो पॉसिबल नहीं है। एक बार पीरियड स्टार्ट हो गए वो आते रहेंगे। हाँ, अगर 9 साल से पहले पीरियड्स आ गए या 8 साल से पहले उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया बच्ची का, उसके ब्रेस्ट डेवलप हो गए, प्यूबर्टल चेंजेस आ गए, तब आपको देखना है कि कोई ट्यूमर तो नहीं अंदर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और फिर आप दवाइयाँ देकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बट 10 साल के बाद अगर आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है, ये जो ब्लड आता है इसमें क्या क्या होता है। इसमें पीरियड का जो अंदर का जो एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर का जो टिश्यू होता है वो आता है, साथ में म्यूकस आता है, क्योंकि सारे सिक्रीशंस आते हैं एंडोमेट्रियम के, सर्विक्स के, विजाइना के मिक्स सिक्रीशंस आते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो कि जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग है। मैं आपको बताऊंगी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो 3 तरह की होती है, बेसालिस और कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियसम, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूट्राइन साइकिल पढ़ेंगे। तो ऊपर की जो 2 लेयर होती हैं उसको बोलते हैं फंक्शनलिस लेयर, यानी कि स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ये दोनों जो हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड में झड़ जाती हैं। जो बचता है वो है स्ट्रैटम बेसालिस, जो कि हार्मोनल कंट्रोल के अंडर नहीं है, और ये बाद में एक साइकिल के बाद नेक्स्ट साइकिल में उसको वापस ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, सर्वाइकल सेल्स हैं, म्यूकस है, कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये बाहर आती हैं। साथ में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, कुछ डेड टिश्यू है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है मेंस्ट्रुअल ब्लड में, ये सारा क्योंकि ये डेड टिश्यू है और ये अनवांटेड टिश्यू है जिसको कि अब अंदर रहने की जरूरत नहीं है, राइट। अब प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, बच्ची का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जिसको हम थैलार्के बोलते हैं, साथ में एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं उसको हम प्यूबार्के बोलते हैं। तो थैलार्के, प्यूबार्के और बाद में मिनार्के, और उसके बाद ग्रोथ भी धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स आने के बाद ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आप जो लड़की की जो बोन्स होती है, बड़ी वाली बोन्स होती है, लंबी वाली बोन्स होती है, उनके एपिफाइसिस फ्यूज हो जाते हैं और हाइट एक तरह से 16-17 साल के बाद नहीं बढ़ती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 14-15 साल के बाद भी हाइट बढ़े, नॉर्मली 14-15 के बाद हाइट नहीं बढ़ती लड़कियों की, ठीक है। तो चेंजेस क्या होते हैं, जो हार्मोन GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है वो एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं जिसको कि FSH और LH बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन्स ओवरी पे एक्ट करते हैं, ओवरी पे एक्ट करने की वजह से जो FSH हार्मोन है वो ग्रैनुलोजा सेल्स, जो ओवरी है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, ग्रैनुलोजा सेल्स और थीका सेल्स, और ये होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स होता है ओवरी का, उसके अंदर जो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं
FSH उनको स्टिमुलेट करता है, वहां से निकलता है ईस्ट्रोजन और वहां से निकलता है इनहिबिन। ये दोनों हॉर्मोन्स जो है फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं मोटा मोटे तौर पे बता रही हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है या फिर समझ लो जब लड़की जब प्यूबर्टी में आती है, तो उस समय जो GnRH हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है वो बहुत ज्यादा पल्सेस में निकलता है और उसकी जो सेंसिटिविटी है पिट्यूटरी की वो बढ़ जाती है, और इसी तरह से जो ओवरी है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो सडनली जो लड़की में चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा बॉडी फैट बढ़ता है, फैट के अंदर से लेप्टिन हार्मोन निकलता है, ये सारे हार्मोन्स मिलके उसके अंदर वो चेंजेस लाते हैं जो चाहिए। ब्रेस्ट सबसे पहले डेवलप शुरू होती है, उसके बाद एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर आते हैं और बाद में मेनार्के आता है, और करीब दो तीन साल के बाद पूरी तरह से ये पूरा एक्सिस HPO एक्सिस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पूरा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी लेवल पहुंचने में 2-3 साल लगते हैं, इसीलिए शुरू में जब बच्ची आती है पीरियड्स लेकर तो उसके पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, या तो 2-2, 3-3 महीने से आते हैं या फिर किसी किसी को चलते हैं तो 10-15 दिन चलते हैं, माएँ परेशान हो जाती हैं। तो आपको बस ये समझाना होता है कि अभी ये बच्ची छोटी है, अभी पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं हुई है। तो अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले GnRH बढ़ना चाहिए, GnRH की वजह से FSH बढ़ेगा और LH बढ़ेगा, लेकिन जब FSH बढ़ेगा तो वो ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करेगा। ईस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ता जाएगा वो FSH को कम कर देगा क्योंकि नेगेटिव इनिबिशन करेगा, लेकिन ईस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते LH को स्टिमुलेट करेगा तो LH बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो फॉलिकल्स ग्रो करेंगे ओवरी से, ओवरी से फॉलिकल्स जब ग्रो करेंगे तो उसमें से 15-20 फॉलिकल एक साथ ग्रो करेंगे, लेकिन सिर्फ एक फॉलिकल डोमिनेंट होगा, वो एक फॉलिकल जो डोमिनेंट होगा उसमें से अंडा यानी कि ओवुलेशन होगा, एग निकलेगा। अब एग निकलने के लिए LH बढ़ना शुरू हो गया, LH बढ़ा तो थीका सेल्स के अंदर से प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो गया, प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया मियोसिस वन जिसमें कि अंडा अरेस्ट हो जाता है। आपको याद हो अगर फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर, तो जब बच्ची पैदा होती है उसके अंदर करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अंडे होते हैं जो कि मियोसिस वन में अरेस्ट हो जाते हैं। मियोसिस वन में अरेस्ट होने के बाद अराउंड प्यूबर्टी जब ओवुलेशन स्टार्ट होने वाला होता है तब ये वापस से इनका मियोसिस वन रिज्यूम होता है, तो ये LH की वजह से होता है। LH बढ़ता है साथ में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, ये दोनों मिलके मियोसिस वन को रिज्यूम करवाते हैं, फॉलिकल्स जो है जो बढ़ता चला जा रहा है उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही वो रप्चर हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ वो बन जाता है कॉपर स्लूटियम, उसको हम ओवेरियन साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था ईस्ट्रोजन ने LH को बढ़ाया, अब जैसे ही LH बढ़ा ओवुलेशन हो गया, अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो गया तो अब LH वापस डाउन चला जाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन LH को कम करेगा। तो अगर ओवुलेशन देखा जाए तो 24 घंटे ईस्ट्रोजन की पीक जो आती है, जो हार्मोन की जो पीक आती है ईस्ट्रोजन की, उसके 24 घंटे के बाद ओवुलेशन होता है और ईस्ट्रोजन की पीक के 12 घंटे के बाद LH की पीक आती है। तो पहले ईस्ट्रोजन राइज हुआ, उसके 12 घंटे बाद LH राइज हुआ, उसके 12 घंटे बाद ओवुलेशन हुआ। तो इस तरह से साइकिल चलती है। ओवुलेशन होते ही प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉपर स्लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो LH कम हो जाएगा, तो LH 12 से 24 घंटे के अंदर नीचे आ जाता है। इसी तरह से अब ईस्ट्रोजन को भी नीचे आना है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया है और उधर FSH कम है, तो ईस्ट्रोजन अपने आप कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन कम होते ही वापस से FSH बढ़ना शुरू हो जाता है, FSH वापस से 18वें दिन बढ़ता है यानी कि ओवुलेशन के बाद 14 दिन पे अगर ओवुलेशन हुआ है तो 4-5 दिन के बाद FSH वापस उसकी छोटी सी पीक आती है। अब ये FSH बढ़ना शुरू हुआ, ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट साइकिल के लिए 15-20 अंडों को तैयार करना शुरू करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल जो कि आती है मेंस्ट्रुअल, जो मेंस्ट्रुएशन है उसके बाद आती है, उसके लिए 15-20 फॉलिकल्स पहले से तैयार होने शुरू हो जाते हैं और उसमें से कौन सा एक ओवुलेट करेगा वो डिपेंड करता है किसमें सबसे ज्यादा FSH रिसेप्टर्स हैं, किसमें सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो इस तरह से सिलेक्शन होता है और कौन सबसे ज्यादा हेल्दी फॉलिकल है। ठीक है, अब आते हैं वापस से ओवेरियन साइकिल पे, यानी कि सॉरी मेंस्ट्रुअल जो कि हार्मोनल साइकिल है उस पे। तो FSH बढ़ा, FSH ने ईस्ट्रोजन को बढ़ाया, ईस्ट्रोजन की पीक आई, ईस्ट्रोजन की पीक के 12 घंटे बाद LH की पीक आई, दोनों 24 घंटे के अंदर नीचे आ गए, पीक आते ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हुआ, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होते ही कॉपर स्लूटियम ने खूब सारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना शुरू किया, थीका सेल्स जो है वो एकदम से एक्टिव हो गए क्योंकि कॉपर स्लूटियम जो है वो ग्राफिन फॉलिकल के फटने की वजह से बना, तो प्रोजेस्टेरोन की पीक आई, साथ ही में 18वें दिन FSH की पीक आई। अब क्योंकि प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं हुई, अंडा निकल के 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया जो कि मैंने फर्टिलाइजेशन चैप्टर में बताया था, तो क्योंकि अंडे को स्पर्म नहीं मिला वो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो कॉपर स्लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है उसका काम भी खत्म हो गया क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये यूट्रस को तैयार करता है, यूट्रस के अंदर जो घर होता है जो एंडोमेट्रियम है उसको बच्चे के लिए तैयार करता है।
तो जब 24 घंटे के अंदर अंडा खत्म हो गया, तो मतलब ये समझ लो 15वें 16वें दिन अंडा खत्म, तो अब कॉर्पस लूटियम 22वें दिन खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये ओवुलेशन हुआ 14 दिन पे, तो 22वें दिन 6-7 दिन इसने इंतजार किया कि भाई शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अब हॉर्मोन लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम खत्म होना शुरू हो जाता है। अब ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, लूटियम से एल्बिकन्स बन जाएगा, यानी कि डीजनरेट हो जाएगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। 24वें दिन प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन सब खत्म हो जाते हैं, अब इस समय वापस से मेंसेस होने की तैयारी होती है क्योंकि जो अंदर एंडोमेट्रियम जो घर बना है उसको हार्मोन सपोर्ट खत्म हो गया, ना प्रोजेस्टेरोन है ना ईस्ट्रोजन है, वो ग्रो कैसे करेगा, अब वो टूटना शुरू हो जाता है। तो टूट टूट के हल्का हल्का पेन शुरू होता है, प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके पेट में क्रैम्प्स लाते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I, ठीक है, इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। F2 alpha क्रैम्प्स लाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल को, तो आपको क्रैम्पी मूवमेंट होता है, साथ में ये ब्लीडिंग को भी कम करता है, ठीक है। तो कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो किसी पेशेंट को, तो आपने देखा होगा डॉक्टर जो है जो ऑपरेशन करते हैं कई बार प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha का इंजेक्शन लगा देते हैं यूट्रस में, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और ब्लड वेसल्स बंद हो जाए और ब्लीडिंग बंद हो जाए। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है लेकिन साथ में वेसल्स को खोलता भी है, तो ये दोनों काम करता है, ये पेन भी करवाता है लेकिन ये उनको खोलता भी है, तो ब्लीडिंग को बढ़ाता भी है, कम भी करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I दोनों उल्टे काम करता है, ये मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, तो पेन तो इतना नहीं होगा लेकिन मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो ब्लड वेसल्स पे जो ऐसे क्रैम्पिंग वाला जो एक्शन होता है वो नहीं होगा, साथ में ये ब्लड वेसल्स को खोलता भी है, डायलेट भी करता है, तो ये दोनों तरीके से ब्लीडिंग बढ़ाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E जो है वो बैलेंस रखता है, F2 alpha पूरी तरह से बंद करता है और I सिर्फ बढ़ाता है, तो इनका काम होता है कि ये पीरियड्स के समय निकले और इनका एक बैलेंस होता है, इस बैलेंस की वजह से पेन और ब्लीडिंग सब कंट्रोल में रहता है। एक नॉर्मल लेडी हर 28वें दिन या 30वें दिन उसको पीरियड आता है, एक नॉर्मल साइकिल 25 से 35वें दिन तक होती है, 25 आपकी किताबों में लिखा है 22-23 दिन भी नॉर्मल है, अगर किसी को 22वें 23वें दिन भी पीरियड आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है, 22 दिन से कम 35 दिन से ज़्यादा वो एबनॉर्मल है। और एक नॉर्मल लेडी मेंसेस में करीब 30 से 80 ml तक ब्लड निकालती है, ठीक है, 80 ml बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 35 से 40 ml ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से लेकर 7 दिन तक हो सकती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन से कम है और 7 दिन से ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी कि 2 दिन से कम है तो कम आ रहा है पीरियड, 7 दिन से ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा आ रहा है, मिनोरेजिया हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एवरेज ब्लड लॉस, एक एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल जिसको कि हम नॉर्मल साइकिल बोलते हैं, और ये मोटे मोटे तौर पर जो हॉर्मोन्स की जो फ्लक्चुएशन होते हैं मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से। ओके गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और टीचर्स इकट्ठे करूं जिससे हर हफ्ते आपको एक नया वीडियो मिले और हम बहुत जल्दी गायनेकोलॉजी को कवर कर पाए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।